नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। वार्ड नंबर 5 में पानी की लाइन ध्वस्त, जी हां, लोगों ने काटा हंगामा। आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 5 में सैलई की पुलिया के समीप गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसी के चलते लाइन बिछाने के दौरान कर्मचारियों से किसी तरह पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण वार्ड नंबर 5 में पानी की समस्या विगत कुछ दिनों से बनी हुई है। आपको बता दें, लगातार पानी न आने व पाइप लाइन ठीक न होने के चलते आज स्थानीय लोगों ने हंगामा काटा है। आपको बता दें, वार्ड पार्षद माया देवी द्वारा सुपरवाइजर से भी शिकायत की गई। क्या कुछ कहना है पार्षद व सुपरवाइजर का, आप भी देखिए स्पेशल रिपोर्ट। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या समस्या है इस बार? ये पाइप नंबर 5 है जी। क्या समस्या है इस बार? पानी की समस्या, जो पाइप लाइन है, जो लाइन पड़ रही है, इसकी गैस की पाइपलाइन पड़ रही है, गैस पाइपलाइन चल रही है। तो ये रात के 4 बजे आके चुपचाप जेब से ही लगा करके खोद देते हैं, और जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, तो घरों में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा। लिंक गलियों में ना तो पानी पहुंचने वाला है। आज 6 दिन से परेशान है जनता, जा करके हमारे गेट खटकाती है और हमसे बोला बुरा भला बोलती है। अगर मैं इस चीज को नहीं करे तो जनता हमें कौन आगे देखा? कितने दिन से फूटी हुई है पाइपलाइन? पाइपलाइन आज 6 दिन हो गए, 6 दिन से अंदर बिल्कुल पानी नहीं गया लिंक गलियों में बिल्कुल भी। जनता इतनी परेशान है, तो सड़क पे आके उधर पड़ी है। कितने दूर तक ये पाइपलाइन लीकेज है? यहाँ से लेकर के 400 मीटर, लगभग 400 मीटर है अभी तक। उसमें जो जोड़ लगा देते हैं उसमें भी पानी एकदम लीकेज होकर के फिर ऊपर पानी आ जाता, घरों में जा ही नहीं रहा। सुपरवाइजर से शिकायत की? क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज 6 दिन हो गए उसको, 6 दिन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। क्या चाहते हैं वो? अब वो मना कर रहे हैं कि पता नहीं, वो कंपनी वाले आ जाएंगे तब सुनवाई होगी। तो मैंने कहा भाई कंपनी वाले बुला लो कुछ से, तो हमें ये लाइन जो हमारी, आपने कंपनी वालों से बात की? नहीं, वो फोन ही नहीं उठाता कंपनी वाले। क्या कह रहे हैं? सुपरवाइजर ने कुछ नहीं कहा? सुपरवाइजर फोन नंबर देते हैं, वो फोन नहीं उठाते हैं, ना बात करते हैं। मैं कुछ नहीं चाह रही, मेरी पाइप लाइन है वो बिल्कुल सही हो जाए। मुन्नी देवी गौतम, कहाँ रहते हो आप? हाईवे पे। क्या समस्या आपकी? समस्या हमारी है कि यहाँ पर हमारी पाइपलाइन पानी की डली हुई है जी, वो हमारी पाइपलाइन टूटी हुई है। हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, नहाने धोने पीने के लिए भी परेशान है, इसलिए कितने दिन हो गए? कितने दिन से पानी नहीं जा रहा? 6-7 दिन से नहीं जा रहा है, और 6-7 दिन से ना जाने के बाद में हम लोग बहुत परेशान है। इसलिए हमारी ये खोद करके दूसरी हमारी पाइपलाइन चेंज की जाए, जो हमारे घरों में हमारी समस्या है हल हो पाए। और यहाँ कीड़े भी निकलते हैं, सांप के बच्चे भी निकलते हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास पेपर भी रखा हुआ है इस चीज का, अगर इस चीज की सुनाई नहीं होगी तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। पानी गंदा आता है? पानी बिल्कुल गंदा आता है, मिट्टी वाला। पाइपलाइन हम डालने नहीं देंगे, ये डाल रहे हैं या गैस वाली, जब तक हमारी पाइपलाइन सही नहीं हो जाएगी। इसके बारे में शिकायत की आपने कभी सुपरवाइजर? हमने सुपरवाइजर की थी, देख सुपरवाइजर सुनते नहीं है। 3 बार उन्होंने लगवाई है, देखो दोबारा फिर वहीं से टूटी हुई है। लोगों की यहाँ की जन समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इन्होंने अपने मनमानी तरीके से जी लाइन खोद के डाल दी है, जिससे यहाँ की जनता त्राय त्राय कर रही है, और ना कोई व्यवस्था कर रहे, ना ये ठेकेदार सुनने को राजी है। कौन सा मोहल्ला है, कौन सा नंबर? सरजीवन नगर, सम्राट नगर, अम्बेडकर पार्क, ये सारा मोहल्ला काफी दलसोसु समाज के लोगों का मोहल्ला है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत ना तो शासन प्रशासन का कोई हृदय सुनने के लिए राजी है। आज 4 दिन हो गए, भूखे प्यासे लोग घर में ना नहा पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, ना कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। इस सारी व्यवस्था के लिए अधिकारी से कहा गया, लेकिन किसी अधिकारी ने कान पर जू नहीं रहेगा उसके ऊपर, और ना ठेकेदार के कान पर जू रहेगा। और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आज जनता ने ये मन बनाया कि हम लोग सड़क पर खड़े हो जाएं, जिससे हमारी समस्या को सुन ले। कितने दिन से लीकेज है? 5-6 दिन हो गए, और मनमानी तरीके से ये लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ खोद के डाल देते हैं, जिससे अपनी घटना भी हो जाती है। एक्सीडेंट रोड के किनारे का मामला है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, तो कभी कार वाला गिर जाता है, लेकिन एक कदम सुनने को राजी नहीं है। तो आज जनता की भावनाओं की कदर करते हुए हमने अनुरोध किया है जिलाधिकारी महोदय से, ये समस्या का निदान कराए, जिससे हमारी जनता को पानी मिल सके, इनकी समस्या समाधान हो सके।